अगर देखो प्यारे बच्चों, इस वाले सवाल को देखोगे, इसमें लिए ए यूनिफॉर्म रोप है जिसका मास एम है, लेंथ एल है, और वो रोप जो है बेसिकली पुल अलोंग इंक्लाइन प्लेन इंक्लिनेशन थीटा, और ध्यान रखना कि फोर्स जो अप्लाई हो रहा है वो एम जी से अधिक है, मतलब अगर स्मूथ सरफेस है और एम जी से अधिक ये थीटा है और इस पे कोई रोप रखा हुआ है, इमेजिन करो ये अपनी रोप है, और इस रोप को अगर ये रोप है और इस रोप को आगे एक फोर्स से खींचा जा रहा है, यहाँ पर एक फोर्स अप्लाइड कर दो यहाँ पे, और ये फोर्स एम जी से अधिक है, तो ऑब्वियसली एम जी से अधिक है तो ये ए एक्सलेशन से ऊपर जाएगा, क्योंकि यहाँ पे इस पूरे पर देखोगे तो पूरे पे एम जी साइन थीटा नीचे लगेगा और पूरे का जो नॉर्मल है वो कहीं पे इधर आएगा और एम जी कॉस थीटा इसका नीचे लगेगा, ये इसका फ्री बॉडी डायग्राम है अगर पूरे को देखोगे तो। अगर ए एक्सलेशन से ऊपर जा रहा है तो हर पार्ट ए एक्सलेशन से जा रहा होगा, तो एक्सलेशन ए की जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी होती है, फोर्स माइनस यहाँ से एम जी साइन थीटा नेट फोर्स अपन मास, नेट फोर्स अपन यहाँ से मास एम, तो दिस इज द एक्सलेशन, हर पार्ट इतने से एक्सलेट होगा, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, तो हर पार्ट इतने से एक्सलेट होगा रोप का। अब ये पूछा जा रहा है कि जिधर से फोर्स लगाया जा रहा है, मान लो इंड ए है और ये इंड बी है, तो इंड ए से एक्स डिस्टेंस पे चले आओ, यहाँ से एक्स डिस्टेंस पे चले आओ, ये डिस्टेंस एक्स है, तो एक्स डिस्टेंस पर टेंशन कितना होगा ये हमें निकालना है, ठीक ना। तो सबसे पहले अगर एक्स डिस्टेंस पर टेंशन देखोगे तो ऐसे क्वेश्चन को करने का तरीका ये है कि जहाँ पे टेंशन पूछता है वहाँ से काट डालो, काट दो ये, इसको यहाँ से कट कट कर दो, तो अगर मैं यहाँ से कट कर दूंगा तो इसका जो है फिर यह यहाँ मैं फ्री बॉडी डायग्राम ऐसे बनाता हूँ, ये मैंने कट करने के बाद बनाया, जहाँ से कट करोगे वो, तो यहाँ से कट करोगे तो ये वाला जो पार्ट है, दूसरा वाला पार्ट, वो ये वाला जो पार्ट है इस पे ये है, अगर ये इसकी लेंथ एल रही होगी, पूरे की लेंथ एल थी, समझ रहे हो, तो ये तो एल माइनस एक्स हो गया बड़ा वाला पार्ट, और छोटा वाला पार्ट ये एक्स दिया था, तो चलो इसमें मास इधर से तो हमने एफ लगा रहे हैं हम, और यहाँ पर एक टेंशन टी डेवलप हुआ होगा, तो उस वो एक्शन एंड रिएक्शन पेयर में यहाँ दोनों पर होगा इस पॉइंट पे जहाँ पे कट हुआ है, ठीक है। इसके अलावा इसके पास मास कितना वो भी नहीं पता है, क्योंकि टोटल मास एम था, तो चलो मान लो इसके पास मास एम डैश है, तो इधर जो फोर्स लगे है वो लगा एम डैश साइन थीटा, एम डैश जी साइन थीटा, अगर तुम इधर देखोगे तो इधर इस पे जो फोर्स लगेगा एम डैश जी साइन थीटा इधर लगेगा, अब ये यहाँ से ये एक्सलेशन से इधर जा रहा है और इस पे नॉर्मल ऊपर लगेगा जो कि हमें ज़रूरत नहीं है, और एम डैश जी कॉस थीटा इधर लगेगा, एम डैश इसका मास है छोटे से पीस का। तो सबसे पहले तुम देखोगे हमें एफ निकालना, हमें एफ हमें टेंशन टी निकालना, तो इस पे जो फोर्स लग गए, चलो मान लो पहले एम डैश निकालो, एम डैश क्या होता है, मास पर यूनिट लेंथ और मल्टीप्लाइड बाई इसका लेंथ एक्स, तो दिस इज द बेसिकली द एम डैश, यहाँ से टोटल लेंथ एल था, तो अगर मैं इसका इक्वेशन लिखूँ तो इसका इक्वेशन क्या होगा, जो पार्ट है तो ऊपर में फोर्स एफ माइनस कर दो, कौन कौन से फोर्स, टी प्लस एम डैश जी साइन थीटा, ये सब मिला के इसको एक्सलेट करा रहे हैं एम डैश ए, एक्सलेशन तीनों पार्ट का सेम होगा, कट करने से पहले जो पूरा था और बाद में, अब इसमें कुछ नहीं करना, आपको वैल्यू डाल देना एफ के लिए, सॉल्व कर लेना है, तो एफ माइनस टी हमें निकालना एम डैश की वैल्यू, मास पर यूनिट लेंथ मल्टीप्लाइड बाई छोटा लेंथ एक्स ये वाला, और यहाँ से तुम देखोगे इसमें मल्टीप्लाई कर दोगे जी साइन थीटा से, तो अगर जी साइन थीटा से हम मल्टीप्लाई कर दो, एम डैश की वैल्यू यहाँ से मास पर यूनिट लेंथ और मल्टीप्लाइड बाई, और एक्सलेशन की वैल्यू जो पहले हम निकाल चुके थे एफ माइनस यहाँ से एम जी साइन थीटा और मल्टीप्लाइड बाई यहाँ से एम, ठीक है। अब इसी इक्वेशन को आपको सॉल्व कर लेना है, तो इसी इक्वेशन को अगर सॉल्व करोगे तो देखो क्या सोल्यूशन मिलता है, ए के एम यहाँ से इसको कैंसिल कर रहा है, ठीक है, और यहाँ से देखोगे तो एफ माइनस टी और यहाँ से माइनस एम जी एक्स, यहाँ से एम जी एक्स साइन थीटा और डिवाइडेड बाई यहाँ से
एल बचा और इधर बचा एम से एम कैन किया गया तो एफ एक्स एल और माइनस यहाँ से, तो यहाँ से एम जी एक्स साइन थीटा और डिवाइडेड बाई यहाँ से एल ए बचा। तो ये देखो अगर तुम देखोगे यहाँ से तो कौन किसको कट कर दिया, तो अगर तुम अच्छे से इसको देखोगे तो इसको मैंने एल अलग किया माइनस एम जी एक्स साइन थीटा एल और माइनस ये वाला एक्सप्रेशन इस एक्सप्रेशन से कैंसिल हो जा रहा, तो टी की जो वैल्यू आ जाएगी वो एफ माइनस एफ एक्स अपन एल इज इक्वल टू टी आ गया, समझ रहे हो। तो टी की फाइनल सोल्यूशन आ जाएगी यहाँ से एफ कॉमन ले लो वन माइनस एक्स ओवर एल, एल इसका पूरा लेंथ था, दिस इज द फार्मूला आफ्टर कैलकुलेशन, तुम्हें यहाँ से हमें वन माइनस एक्स ओवर एल मिल जाएगा और एल इसका टोटल लेंथ था, तो कैपिटल एल था तो कोई बात नहीं, दैट इज बी ऑप्शन अपना सही हो जाता। थैंक यू, कैपिटल एल ले लेना तुम।